हेलो फ्रेंड्स, बीएस कैड में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था आर्क, स्लॉट एंड पॉलीगन। इस वीडियो में हम देखेंगे स्प्लाइन एंड एलिप्स। ये ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, प्लेन लेना है, स्केच करेंगे। स्केच करने के बाद हम स्प्लाइन लेंगे। स्प्लाइन में फ्रेंड्स हमारे पास तीन ऑप्शन है। पहला जो है वो सिंपल स्प्लाइन है, जिसको हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमें फ्रेंड सबसे पहले हमें एक पॉइंट देना है जहाँ से हमें स्प्लाइन स्टार्ट करनी है। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। इसके बाद क्या है, मुझे सेकंड पॉइंट देना है जहाँ मेरे को इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें थर्ड देना है। फिर जिस तरीके का हमें लाइन चाहिए, स्प्लाइन चाहिए, उस तरीके से हम इसको ड्रॉ करेंगे। और जब हमारा एंड हो जाएगा तो हम स्केप दबा देंगे या फिर डबल एंटर कर देंगे। माउस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक स्प्लाइन तैयार हो जाएगी। सपोज इस स्प्लाइन को हमें अपने अकॉर्डिंग शेप चेंज करना है, तो हम फ्रेंड्स जो हमने पॉइंट दिए हैं केवल हम उनको क्लिक करके ही इसका शेप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस पॉइंट पर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद मैं इसको मूव कर सकता हूं। मूव करने से क्या होगा कि मैं इसको कम या ज़्यादा किसी भी तरीके से कर सकता हूँ। और ये फ्रेंड्स जो हमारा पॉइंट है, इसको हम अप एंड डाउन भी हम कर सकते हैं। अपने कर्सर को दबा करके रखना है लेफ्ट वाले को, और इसके बाद हम इसको अप एंड डाउन या फिर इस पॉइंट को हम आगे या पीछे की साइड हम कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट हमें यहाँ करना है, यहाँ के बाद से हमें इसको ऊपर या नीचे करना है, तो हम इस तरीके से इसको मूव करा सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये हमारा सिंपल स्प्लाइन है। सेकंड जो हमारा है वो हमारा स्टाइल स्प्लाइन है। हमने यहाँ से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम कहीं भी, फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ दे दिया, सेकेंड हमने इस तरीके का दिया, थर्ड हमने यहाँ दिया, फोर्थ एंड फिफ्थ। इसके बाद हमें एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद हमारा ये एंड हो जाएगा। और अगर हमें इसको अप एंड डाउन करना है तो हम इस कर्सर को पकड़ के हम नहीं कर यहाँ हम करेंगे, या फिर हम इस पॉइंट को पकड़ेंगे और इस पॉइंट को क्लिक करके हम इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। इसको हमें क्लिक करके रखना है। इसके बाद हमें अपने माउस को मूव कराना है। इसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा थर्ड स्प्लाइन है वो हमारा इक्वेशन ड्राइव एंड कर्व है। इसको हमने चूज किया। तो इसको चूज करने के बाद हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमें इक्वेशन देनी पड़ेगी वाई के लिए। तो वाई के लिए हम एक इक्वेशन दे देते हैं। फाइव साइन एक्स, और हम इसको इनटू कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ एक्स की वैल्यू देंगे 0, 0 to 10 कर देते हैं, या फिर हम इसको 20 कर देते हैं। ओके, 20 करने के बाद हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास फ्रेंड्स स्प्लाइन हमारी बनके तैयार हो गई है। हमने इसको अगर ओके किया तो ये हमारी स्प्लाइन बनके ये तैयार हो गई, हमारी इक्वेशन के अकॉर्डिंग तैयार हुई है। सपोज हमें ऐसा इक्वेशन नहीं चाहिए, हमें क्या करते हैं फिर दूसरा इक्वेशन लेते हैं। हम यहाँ देते हैं y इज इक्वल टू एक्स इंटू 4, और यहाँ हम देते हैं 0 to 10। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी क्वेश्चन फ्रेंड्स सिंपल होगी, क्योंकि ये हमारे जो x की वैल्यू है, x बराबर हमने 0 दिया था, तो ये हमारी 0 से स्टार्ट हुई है, जहाँ हमारे y की वैल्यू 0 हो गई, 0 हो गई। एंड जो सेकेंड है हमारा वो हमारा 10 है। 10 के अकॉर्डिंग 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई के अकॉर्डिंग हमारे इसकी वैल्यू हो गई 40। तो वाई की वैल्यू हमारी 40 हो गई जब एक्स की वैल्यू हमारी 10 है। तो हम देखते हैं इसको फ्रेंड्स, जब हमने क्या किया यहाँ से और इसकी वैल्यू हम देखें, तो हमने 10 दिया था, इसके अकॉर्डिंग हमारी वाई की वैल्यू होनी चाहिए थी, वो इक्वेशन के अकॉर्डिंग 40 होनी चाहिए थी, और ये हमारी 40 है। तो हमारी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारी जो स्प्लाइन है वो बन के तैयार हो चुकी है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हम चलते हैं। हमने यहाँ तीनों स्प्लाइन यूज कर लिया। इस स्केच को हम यहाँ से हमने डिलीट किया। इसके बाद हम चलते हैं एलिप्स। हमारे पास 4 टाइप के हैं। फर्स्ट हमने सिंपल एलिप्स लिया। एलिप्स लेने के बाद हमने सबसे पहले इसका सेंटर देना है। सेंटर देकर के हमें इसकी रेडियस की वैल्यू देनी है। हमने कहीं भी एक पॉइंट से क्लिक किया। इसके बाद हमें कितना इसको रखना है। इसके बाद जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एलिप्स बनके हमारा तैयार हो जाएगा। इसकी हम वैल्यू फ्रेंड्स चेंज कर सकते हैं। हमने क्या किया, यहाँ से
सेंटर से लेकर के और इस वाले पॉइंट की हम वैल्यू दे देंगे, हमारे पास 20 चाहिए हमें, एंड सेंटर से लेकर के और बाहर की वैल्यू, यहाँ की वैल्यू चाहिए हमें 50। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे क्या होगा फ्रेंड्स कि एलिप्स हमारा बनके तैयार हो गया। ये तो हमारा फ्रेंड्स सिंपल था। इस तरह हम चलते हैं पार्शियल एलिप्स। पार्शियल एलिप्स क्या करता है फ्रेंड्स, जो हमारा फर्स्ट एलिप्स था उसके जैसा ही होता है सेम, बट इसमें क्या है कि हमारा पार्शियली बनता है, यानी कि पूरा एलिप्स नहीं बनता है। हम अपने अकॉर्डिंग जितना कट करना चाहते हैं उतना कट करके हम एलिप्स बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो गया सेकेंड एलिप्स। थर्ड हम देखते हैं पैराबोला। पैराबोला के लिए आपने पढ़ा होगा, सबसे हमने सेंटर दिया, सेंटर देने के बाद हमें देते हैं कि हमें किस तरीके का चाहिए हमें। इसके बाद क्या है, हमने स्टार्ट करना है यहाँ से और एंड पॉइंट हम दे देंगे। तो ये हमारा पैराबोला बन के तैयार है। इसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा थर्ड एलिप्स का है वो कॉनिक है। हमने क्या किया, स्टार्टिंग पॉइंट दिया, इसके बाद हमने दे दिया इसके बाद हम इसकी वैल्यू दे देते हैं, और ये हम आर एच की हमने वैल्यू दे दी। कितनी दे दी, आर एच की, जो भी हम रो की जो भी वैल्यू देना चाहें हम यहाँ रो की वैल्यू दे सकते हैं, या फिर बनने के बाद भी हम कंस्ट्रक्ट दे सकते हैं इसकी वैल्यू। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा कॉनिक बन के तैयार है। यहाँ हमारा स्केच का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ मैं आपको स्केच का ट्यूटोरियल्स देता हूँ फ्रेंड्स। ट्यूटोरियल्स में ये हमारा फर्स्ट ट्यूटोरियल है जिसको आपको प्रैक्टिस के लिए बनाना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के और ये आप प्रैक्टिस करिए। ये हमारा फर्स्ट ट्यूटोरियल है। ये हमारा सेकंड ट्यूटोरियल है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा फ्रेंड्स थर्ड ट्यूटोरियल है। और इन सब की आपको प्रैक्टिस करनी है। ये हमारा फोर्थ ट्यूटोरियल है। और अगर आपको डिफिकल्टी होती है बनाने में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं आपको दोबारा वीडियो बना कर और इसको जो भी जिस ट्यूटोरियल में आपको प्रॉब्लम है वो मैं आपको हेल्प कर दूंगा। इसके बाद ये हमारी एक्सरसाइजेज हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज, ये हमारा सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज, एंड ये फोर्थ एक्सरसाइज। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।